गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा पूरे दमखम से चुनावी रण में उतर चुकी है। इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के शहरा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासियों की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बता दें कि भाजपा ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी दिग्गज नेताओं को प्रचार के लिए उतार दिया है और अब तो खुद पीएम मोदी ने भी चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाल लिया है। मित्रों, मैं जेठा भाई के प्रचार के लिए यहां जरूर आया हूं, लेकिन इस धरती से एक विशेष लगाव, प्रेम, सम्मान और ऐसी पवित्र और वीर भूमि को एक बार नहीं, बार बार वंदन करने का मन करता है। इसके लिए मैं ऐसी पवित्र भूमि को नमन करता हूं। इस भूमि का सामाजिक योगदान, धार्मिक योगदान और धर्म के साथ साथ राजनीतिक योगदान को देश की जनता कभी भूल नहीं सकती। और जब मैं ये कहता हूं तो कहने के लिए नहीं कहता हूं। अगर आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने अपना योगदान किया तो इस देश को एक रखने में सरदार वल्लभ भाई पटेल को कोई भूल नहीं सकता, उनका योगदान को भूल नहीं सकता। और नए भारत के निर्माण में जो योगदान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, उनको भी हम सदा याद करते हुए इस काम को आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। मित्रों, जिस गुजरात मॉडल की हम चर्चा करते हैं, जिस विकास के मॉडल की हम चर्चा करते हैं, जो दुनिया में गुजरात मॉडल के नाम से जाना जाता है, उस गुजरात मॉडल की गंगोत्री है तो वो गुजरात है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बतौर मुख्यमंत्री उसकी नींव रखी, उसको आगे बढ़ाया और आगे चल करके देश में उसको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। यहां स्कूलों की कमी का सवाल था, यहां प्राइमरी स्कूल से लेकर के हाई स्कूल खोले गए। नाडा में, वागजीपुर में पीएचसी खोल करके, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल करके उसको भी स्थापित किया। और उसी तरीके से 50 नए बेड का अस्पताल, यह भी सहेड़ा में, इसको भी अप्रूवल मिल गई है, आगे चल करके 50 बेड का अस्पताल भी खुलेगा। हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं, जनता के बीच में सेवा करके निकलते हैं। और इसलिए मित्रों, इस चुनाव में मैं आपसे ये बोलने आया हूं, जेठा भाई को आप सम्मानजनक जीत के साथ आगे लाइए, अच्छी तरीके से जिताइए, इस इलाके का विकास कीजिए, अपना विकास कीजिए। ये जीत जेठा भाई की नहीं होगी, ये जीत आपकी होगी, आपके हक और हुकूकों की जीत होगी। इसलिए अपने हकों की रक्षा कीजिए, 5 तारीख तक आप इनकी रक्षा कीजिए और 8 तारीख के बाद ये आपकी रक्षा करेंगे और पूरी ताकत के साथ आपकी सेवा करेंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।